तो पब्लिक, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके सिस्टम में 4GB रैम है, इंटेल कोर 2 क्वाड का प्रोसेसर लगा है एंड यहां पर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप पबजी मोबाइल को कैसे अपने लो एंड पीसी में प्ले कर सकते हो। अब ये जो मैंने स्पेक्स आपको बताई है, इस स्पेक्स के अंदर आप विंडोज के ऊपर कोई भी एमुलेटर यूज नहीं कर सकते, आपको OS ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं जो एमुलेटर बताऊंगा वो आपके इसी स्पेक्स के ऊपर विंडोज के ऊपर भी चल जाएगा एंड आप इसके अंदर पबजी मोबाइल को भी खेल सकते हो। यहां पर मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि आपका गेम बिल्कुल 16fps पे चलेगा। आपका गेम इतना प्लेएबल होगा कि आप जो है वो खेल सकते हैं अपनी गेम को, क्योंकि जो मैंने स्पेक्स बताई हैं वो भी इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपके सिस्टम में यहाँ पे 512MB रैम का भी ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तब भी आप इसमें पबजी मोबाइल को खेल सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जिस एमुलेटर की बात कर रहे हैं वो है ब्लू पापा एमुलेटर। अब ये जो एमुलेटर है इसके बारे में आपने पहले सुना होगा, लेकिन इसके अंदर आज हम पबजी मोबाइल भी खेलेंगे एंड यहाँ पे मैं PGT टूल को यूज करते हुए आपको इसके अंदर पबजी मोबाइल खेल के दिखाने वाला हूँ। अब जैसा कि आपको पता है कि गेम लूप के अलावा जितने भी एमुलेटर्स आते हैं वो थर्ड पार्टी एमुलेटर्स होते हैं, उनके अंदर मैच मेकिंग का इशू होता है। हालांकि मैं भी पर्सनली थर्ड पार्टी एमुलेटर पर ही खेलता हूं, तो मैं कैसे मैच मेकिंग करता हूं मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम अपनी ब्राउजर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले आपने दो फाइल्स डाउनलोड करनी है। सबसे पहली हमारी फाइल है हमारी पबजी मोबाइल, तो आपने लिखना है पबजी मोबाइल, यहां पर आपने एंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे जाने के बाद पबजी की ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, तो आपने इसके ऊपर रीडायरेक्ट हो जाना है। तो जैसे ही आप पबजी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, APK डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, 1.3GB वाली जो फाइल है वही आपको डाउनलोड करनी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से दूसरी फाइल भी आपको बता देते हैं। तो दूसरी हमारी फाइल है वो है PGTGFX टूल, PGT APK प्योर वाली वेबसाइट के ऊपर आपको चले जाना है एंड यहाँ पर आपने डाउनलोड APK के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपने नीचे स्क्रोल डाउन करना है एंड यहाँ पर APK डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी दोनों की दोनों फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी। आफ्टर डाउनलोडिंग यहाँ पे पबजी मोबाइल PGTGFX टूल। अब हम क्या करते हैं, अपने ब्लू पापा एमुलेटर को इंस्टॉल करते हैं। सिंपल आपने डबल टैप करके ओपन कर लेना है, यहाँ पर ये चाइनीज करके आएगा, ये की के ऊपर क्लिक करें, वो डायरेक्टली सेलेक्ट करें कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। 8GB की मिनिमम खाली होना चाहिए, यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। यहाँ पर देखे जैसे ही इंस्टॉल होगा आपने यहाँ पर कैंसिल के ऊपर क्लिक नहीं करना, ये चाइनीज वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपका एमुलेटर हैंग होगा एंड यहाँ पर हमारा जो ब्लू पापा एमुलेटर है वो यहाँ पर चल चुका है। स्टार्टिंग में ब्लू पापा एमुलेटर लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आपने वेट कर लेना है। ब्लू पापा एमुलेटर चल जाने के बाद आपने मेनू के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले की सेटिंग के ऊपर जाना है एंड यहाँ पर आपने इसको बाय डिफॉल्ट लहरे देना है। इधर से आपको जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे यही वाली रखनी है, इसको कम भी कर सकते हो अगर ग्राफिक कार्ड नहीं लगा, बट इसके ऊपर जाओ आपको की मैपिंग भी देखने के लिए मिलेगी। कोर्स जो है वो यहाँ पे आपको मिनिमम 2 कोर्स चाहिए, इसलिए मैंने इंटेल कोर 2 क्वाड का बोला था। अब यहाँ पर मेरे सिस्टम में 4 कोर्स हैं, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 कोर्स रख देता हूँ। मेरे पास जो प्रोसेसर है उसी का ग्राफिक कार्ड है, वो है इंटेल कोर i5 2400 जनरेशन का प्रोसेसर है। आप गूगल भी कर सकते हो, इतना हैवी नहीं है। एंड यहाँ पर जो रैम है वो यहाँ पर अगर आपके सिस्टम में 4GB रैम है तो यहाँ पर आप 3GB रैम दे सकते हो, 3082 रख सकते हो, लेकिन मैं पूरी की पूरी यहाँ पे 4GB रैम ही रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन जीएल के ऊपर ही आपको जाना है पबजी मोबाइल के मामले में एंड नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपने सबसे ऊपर वाली M16 की डिवाइस सेलेक्ट करनी है, बाकी वाली सेटिंग्स को आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पर आपने 720p कर देना है, नॉर्मल के ऊपर आपको जाना है। बड़ा भी सकते हो अगर हैवी सिस्टम है, हैवी सिस्टम है तो आप इसके ऊपर क्यों ही जाओगे। अभी हम क्या करते हैं, इसको जल्दी से रीस्टार्ट कर लेते हैं। एमुलेटर चल जाने के बाद इसकी लैंग्वेज को हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हमें जाना है इसके ऊपर एंड यहाँ पर हमें इसकी सेटिंग के अंदर चले जाना है। यहाँ पर आपको स्क्रोल डाउन करके इधर से आपको एक क्रोम का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, सबसे ऊपर के ऊपर जाना है, ऐड के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको इंग्लिश लैंग्वेज सर्च कर लेना है, आपने ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे सबसे टॉप पर आपको चले जाना है, तो आपकी ऑटोमेटिकली लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगी। तो अभी आपको बैक जाना है एंड यहाँ से भी आपको फिर से बैक जाना है एंड एप्स वाले ऑप्शन के ऊपर भी जाना है। यहाँ पर जिन जिन एप्लीकेशंस को मैं आपको डिसेबल करवा रहा हूँ, सभी एप्लीकेशंस को आपको डिसेबल कर लेना है।
एप्लीकेशन डिसेबल कर लेने के बाद अभी हम PUBG एंड GFX टूल इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के यहाँ पर आपको दो तरीके मिलते हैं। सबसे पहला जो तरीका है यहाँ पर आप देख सकते हो, ड्रैग करके ना इस तरीके से आपने लाके पेस्ट करना है तो आपका PUBG मोबाइल एंड GFX टूल इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन हम APK के ऊपर क्लिक करेंगे, उस डायरेक्टरी के ऊपर जाके हम इंस्टॉल करेंगे, हमारा PUBG मोबाइल एंड GFX टूल जल्दी जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा। इसको इंस्टॉल होने में आपको 15 मिनट लगेंगे। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा होता हूँ तो इसलिए आपको बहुत प्रोसेस फास्ट दिख रहे होते हैं, ये चीज याद रखें आप। आफ्टर इंस्टॉलेशन अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर शॉर्टकट बनाना है। किसी भी एपीके का शॉर्टकट बनाना चाहे 3 डॉट्स पे क्लिक करें, नंबर 2 के ऊपर आपको चले जाना है। ऑटोमेटिकली देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप का आपको शॉर्टकट बन चुका है। तो अभी हम PUBG मोबाइल को ओपन कर रहे हैं। जीमेल का लॉगिन आपको गूगल प्ले स्टोर को डिसेबल नहीं करना, तब करके फिर डिसेबल करना, लेकिन गूगल प्ले स्टोर को डिसेबल करना जरूरी है, याद रखें। फेसबुक का लॉगिन बहुत ही ज्यादा इजी है, फेसबुक लॉगिन के ऊपर जाएं, डायरेक्टली आपका यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा, ये एरर आ जाएगा, तो आपने मैनुअल लॉगिन करना है। आपने जाना है facebook.com में एंड इधर से आपने अपनी आईडी को साइन इन कर लेना है। तो जैसे ही आपका आईडी साइन इन हो उसके बाद आप लॉगिन करने का ट्राई करें तो आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर ना आपको एक प्रॉब्लम आएगी, ये देखें कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है लेकिन ये ऑथेंटिकेशन का ना, ये देखें ये कुछ ऑथराइजेशन का इशू आ रहा है। जैसे मैं कर रहा हूँ ना लॉगिन, वैसे ही आपको इसको लॉगिन करना है। देखिए लॉगिन करके पुराने लॉगिन्स को पहले कैंसिल करें, उसके बाद लॉगिन करें, इशू आ रहा है फिर लॉगिन करें, 2-3 दफा करेंगे आपका लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं अपनी लॉबी स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मुझे अपनी सारी की सारी जो सेटिंग है वो यहाँ पे करनी है। मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग मोड भी डाउनलोड किया एंड यहाँ पे जो सेंसिटिविटी है वो भी आपने सेट कर लेनी है। मुझे पता है कि आप PUBG मोबाइल मुझसे ज्यादा खेलते होंगे तो जो सेटिंग है सारी सेट करके आपको की मैपिंग इसकी नहीं करनी, ठीक है। की मैपिंग इसकी बाय डिफॉल्ट है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। सारी सेटिंग बिठा लेने के बाद आप इसके अंदर PUBG खेल सकते हैं, लेकिन आपका PUBG इसमें लैग करेगा जैसा कि मेरा कर रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर GFX टूल लगाया। तो GFX टूल जो है ना इस पे यूज करना बड़ा ही आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो जो परमिशन वगैरह आती है सब कुछ अलाउ करना है आपने। यहाँ पर सबसे पहले वेरिएंट आपने ग्लोबल वेरिएंट सेलेक्ट करना है, रेजोल्यूशन आपने बाय डिफॉल्ट रखना है, बाय डिफॉल्ट से आपने हटना नहीं है वरना आपकी की मैपिंग वर्क नहीं करेगी। यहाँ पर आपने सुपर स्मूथ को सिलेक्ट करना है, स्टाइल को भी आपने कलरफुल रखना है एंड यहाँ पर आपको जो FPS है वो आपने 16 रखना है, 19 पे जाने की गलती नहीं करनी आपने। उसके बाद आपने फोर्स प्ले के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने स्टोरेज के ऊपर जाना है, सिंपल इसको क्लियर डाटा कर दो, यहाँ पे बैक जाओ, परमिशन में जाओ एंड यहाँ पे माइक एंड स्टोरेज को अलाउ कर दो। आपको कोई भी डाटा ढूंढने वाला, ये जस्ट फर्जी चीजें होती हैं। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करो। तो जैसे आप एड को कंप्लीट करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपने रन गेम के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम अपनी ट्रेनिंग मोड के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ज्यादा ही व्हाइट हो गया, तो सिंपल इसका फिक्स ये है कि आपने जाना है अपने एमुलेटर की सेटिंग में एंड यहाँ पर आपने ग्राफिक सेटिंग के ऊपर क्लिक करके सबसे नीचे जाके जो ब्राइटनेस होती है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं बिल्कुल 0 कर रहा हूँ तो मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारी की मैपिंग है ना ये देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, बाय डिफॉल्ट ही मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको इसके अंदर। तो अभी हम इसको कट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको साइड पर की मैपिंग ऑप्शन मिलता है, इसकी की मैपिंग वर्क नहीं करती। इसको वर्क करने का सोल्यूशन ये होता है कि आपको अपने एमुलेटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन की मैपिंग इसमें बिल्कुल मक्खन चलती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इसको आप ऑन कर दें, अगर ये कीबोर्ड का बटन वर्क कर रहा है तो भाई आप लकी हो, मेरा वर्क नहीं करता, लेकिन मेरा कभी कभार कर जाता है तो बगैर इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल ऐसे ऐसे करना पड़ता है, फिर ये वर्क करता है, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ आपको इसका फिक्स बताने वाला हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, F1 के बटन को प्रेस करना है, आपका माउस इसके अंदर इजीली लॉक हो जाएगा। अगर आपकी की मैपिंग वर्क नहीं करी तो आपने GFX टूल में रेजोल्यूशन को डिफॉल्ट पे नहीं रखा होगा, जो कि मैंने बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी की मैपिंग वर्क कर रही है, स्मूथ का ऑप्शन आएगा, इसको डिनाई कर देना, आपने जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा जो लैग हो रहा है इसका फिक्स मैंने जिस तरह बताया था मैं बताऊंगा। आपने जाना है अपने टास्क मैनेजर में एंड यहाँ पर आपका जो एमुलेटर चल रहा है ना उसके ऊपर क्लिक करके आपने ना गो टू डिटेल्स में जाना है एंड इधर से जो आपको इंटेल HD के ये जो चल रहे हैं ना HD एंड HD प्ले इसको भी हाई प्रायोरिटी करो और ऊपर जो आप ये देख सकते हैं ना ब्लू स्टैक GP करके आ रहा है इसको भी हाई प्रायोरिटी कर दो, ठीक है। इसके जितने भी प्रोग्राम है उन सबको हाई प्रायोरिटी कर देना। उसके बाद आपका ये जो फ्रीजिंग हो रहा है ना वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरा फ्रीजिंग इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मैं इस टाइम मेन PC पे नहीं बैठा, यहाँ पर इस PC में जो इंटेल कोर i5 240 वाला जो ग्राफिक कार्ड है वही यूज हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस तरीके से आपका PUBG मोबाइल चल जाएगा। ये लो एंड PC के लिए है एमुलेटर, ये बात आप याद रखें, हाई एंड PC के लिए एमुलेटर नहीं है। हाई एंड PC में ये प्रॉब्लम कर सकता है, लो एंड PC वालों के लिए गेम चल जाए उतना ही जरूरी होता है। तो इस हिसाब से आपका गेम इसमें सही चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत लैग होगा। फिर से मैं मैच मेकिंग का आपको बता दूं कि मैच मेकिंग की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। GFX टूल सेफ है कि नहीं अब इसके ऊपर एक पूरी बहस बनती है, हालांकि 100% सेफ है तब भी सेफ है या नहीं इसकी भी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।